अग्निपथ और अग्निवीर, इसका विरोध न केवल नौजवान कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर विरोध है। और ये फौज को इस तरीके से आउटसोर्स करना, फौज में लोग देश की सेवा के लिए आते हैं, हमारे गरीब किसान के बेटों का ये सपना होता है कि वो फौज में जाकर के देश की सेवा करें, देश को सीमाओं को सुरक्षित रखें, उनका सपना तोड़ दिया इस सरकार ने। और उस सपने को पूरा करने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं, खेतों में दौड़ते हैं, मैदान बना करके प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं। उनके अंदर जो जज्बा है वो इस बात का है कि वो हरी वर्दी फौज की पहनने को मिल जाए और जीवन भर वो भारत की और देश की सेवा कर सकें। लेकिन ये देखिए सरकार रिफॉर्म के नाम पे क्या करती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पुराने फैसले उठा करके देखेंगे, बीजेपी को ये मान लीजिए जो रिफॉर्म करते हैं वो गलत रिफॉर्म करते हैं। याद कीजिए नोटबंदी, कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सर आपके जीएसटी को लेकर के जो रिफॉर्म की बात की गई, क्या हुआ उसका? डिजिटल इंडिया का क्या हुआ? आज तक जो भी रिफॉर्म किए हैं क्या वो सच्चाई में रिफॉर्म दिख रहे हैं? इसी तरीके से अग्निपथ अग्निवीर ये भारत को धोखा देने वाला फैसला है। सर हमारे नौजवानों का सपना है कि वो फौज में भर्ती हों, देश की सेवा करें, समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है। सर अग्निवीर का विरोध करने वाले युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी अपनी आवाज कैसे मिलाएगी? मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ और मिडिल स्कूल के पढ़े हुए नौजवान आज देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। और हो सकता है छबरामऊ में भी ऐसे मिल जाए आपको अधिकारी जो मिडिल स्कूल से पढ़े होंगे, बड़ी पोस्ट पर रहे होंगे। सर भाजपा ने न केवल यहाँ पर बल्कि देश में जितने भी मिडिल स्कूल बने हैं उन्हीं स्कूलों के एक स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, मैं समझ सकता हूँ फौज का जज्बा क्या होता है, फौज में जाने का मतलब क्या होता है। मैं उन बच्चों के साथ पढ़ाऊं जो कभी उपचुनाव में क्या उपचुनाव दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का चुनाव। आजमगढ़ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, रामपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। नूपुर शर्मा के बयान से लगातार आगजनी हुई, कोई जगह बवाल हुआ, उन्हें सजा देनी चाहिए और जो कानून कहता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नुकसान हुआ बाबा जी का कहना है कि वो ये कानून के अंतर्गत नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान और देश का जो कानून है वो बुलडोजर को रोकेगा। और कोई भी सच्चा हिंदू कभी दूसरे समाज के और दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो सच्चा हिंदू होगा वो दूसरे धर्म के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता। छिबरामऊ में लगातार चौड़ीकरण के चक्कर में कई समाजवादी पार्टी की दुकानें नष्ट की गई हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पत्रकार साथियों को, ये सरकार तो दलित देख कर काम कर रही है, जात देख के काम कर रही है, धर्म देख के काम कर रही है, ये सरकार तो नफरत फैलाने वाली है। और जो अग्निवीर अग्निपथ ऐसी योजना ला सकते हैं, फौज को आउटसोर्स कर दें, फौज में टेम्परेरी नौकरी, किसी नौजवान से पूछिए कि आप टेम्परेरी नौकरी करोगे? जो प्रायोरिटी फौज की थी, जो हमारे फौज का जो सम्मान है, आप उस सम्मान को गिरा रहे हो आप, क्योंकि आपको बजट बचाना है, आपको बड़े बड़े घरानों की मदद करनी है, आपको उन्हें चौकीदार बनाना है, क्योंकि कई एम्पायर ऐसे खड़े कर दे रहे हो उद्योगपतियों को, उनको ट्रेंड चाहिए लोग, उनकी कौन सुरक्षा करेगा? इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों से मिलकर के अग्निपथ अग्निवीर जैसी योजना ला रही है। आज मुझे समाजवादी पार्टी के एक बहुत समर्पित नेता जिनको हमने खोया है,
जीवन भर वो लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी पार्टी का साथ दिया उन्होंने। राम प्रकाश साहब कई बार ऐसे मौके आए जहां मैंने खुद मना किया कि साइकिल यात्रा में मत निकलो, लेकिन वो मेहनत में और परिश्रम में पीछे नहीं हटे। उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पे कई जिलों में खुद साइकिल यात्रा कर करके पार्टी का प्रचार किया, और जब कभी पार्टी को गरीबों के बीच में, खासकर अपने समाज के बीच में, उन्होंने मेहनत कर करके पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। उनका व्यापार चला जाए, तकलीफ परेशानी रही, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाते रहे। और इन दिनों जब चुनाव था उस समय भी उन्हें बहुत तकलीफ थी, परेशानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। ऐसे कार्यकर्ता को होने का दुख जहां परिवार को है, वहीं हम समाजवादियों को भी बड़ा दुख है। मैं भरोसा दिलाता हूं परिवार को कि उनके परिवार की हमेशा समाजवादी पार्टी और हम मदद करेंगे।